नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं मटर की कचौड़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। मैदा, मटर, तेल, अजवाइन, जीरा, बेसन, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर और ये लाल मिर्ची पाउडर जो घर में कूटी है, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और हल्दी पाउडर। चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो हम पहले अपने आटे का डो लगा करके तैयार करेंगे। जो हमने मैदा लिया है तो ये एक बर्तन ले लिए हैं, इसमें डाल देंगे मैदा, अजवाइन। तो अजवाइन को इस तरीके से हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, इसको डाल देंगे इसी में, थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच नमक और ये तेल, और इन सबको अच्छे से हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सारी सामग्री हमारी इसमें मिल चुकी है, तेल भी हमारा अच्छे से मिल चुका है। मोवन डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप मोवन नहीं डालेंगे तो ये खस्ता कचौड़ियाँ नहीं बन करके तैयार होंगी। इस तरीके से थोड़ा सा ले करके और बाइंड करेंगे। ये देखिए अच्छे से बन रहा है, इसका मतलब मोवन बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको इस तरीके से लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको डो को तैयार करिएगा, क्योंकि ज्यादा पानी डालने से कहीं गीला ना हो जाए। ये देखिए ये हमारा डो लग करके बिल्कुल तैयार हो गया है। ज्यादा कड़क नहीं लगाना है, ये देखिए कितना कैसे लगाना है, ज्यादा कड़क इसको नहीं लगाना है और ज्यादा ढीला भी नहीं लगाना है। ये देखिए इसमें अब हम लगा देंगे तेल चारों तरफ से और इसे ढक करके रख देंगे साइड में और चलते हैं आगे की प्रोसेस में। ये हम मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें डाल देंगे मटर, अगर आप चाहें तो इसमें लहसुन और अदरक भी डाल सकते हैं, पर मैं इसमें लहसुन और अदरक नहीं डाल रही हूँ, खाली मटर ही डाल रही हूँ और इसको मैं ग्राइंड कर लूंगी। ये देखिए इतना ही पीसना है इसको मटर को। ये कुछ मटर खड़े हैं और कुछ अच्छे से पीस चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से पूरा इसको फाइन पेस्ट इसका नहीं बनाना, इतना ही बनाना है। गैस पे पैन रख दिया है और तेल डाल दिया है, गैस ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में और तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, गैस को मंदी कर देंगे और इसमें डाल देंगे जीरा। आपको अगर ज्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें मिर्ची भी डाल सकते हैं, हरी मिर्ची, और यहीं पे डाल देंगे बेसन 2 चम्मच और ये इतना ही बेसन डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी और इसको इस तरीके से हमें चला दूंगी अच्छे से। गैस को मती रखी हूँ, नहीं तो बेसन जल जाएगा, इससे गैस को मती ही रखना। बेसन से खुशबू आने लगी है, इसका मतलब हमारा बेसन पक चुका है। अब इसमें डालेंगे मटर जो हमने पीस करके रखा है, इसको भी इस तरीके से चला देंगे। अब इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और ये गरम मसाला, इनको सबको मिला लेंगे अच्छे से। डाल देंगे नमक, नमक स्वाद के अनुसार, और ये अमचूर पाउडर 1 चम्मच ली हूँ। इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा पूरा मसाला अच्छे से भून चुका है, ये देखिए अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है, जब तक हम अपने आटे को देख लेते हैं, तो ये आटा भी हमारा फूल चुका होगा। अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे। तो हम इसका आधा पोर्शन तोड़ेंगे और आधा रख देंगे। मसल करके लोइयां बना लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी लोइयां बना सकते हैं, मैं इतनी बड़ी बड़ी लोइयां बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी लोइयां बना सकते हैं, जितनी बड़ी आपको चौड़ी बनाना है। इसी तरीके से सारी लोइयों को बना करके तैयार कर लेंगे। अब हम एक एक लोई लेंगे और उसको इस तरीके से बड़ा करेंगे, किनारे से करेंगे, बीच से नहीं करेंगे, बीच से थोड़ा सा इसे मोटा ही रहने देंगे। इस तरीके से कटोरी की तरह हम बना लेंगे, थोड़ी सी और बड़ी बनाएंगे। ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे 1-1 चम्मच भर भर के। ये देखिए
तरीके से दबा देंगे और इस पोर्शन को इस तरीके से उठा करके इसका इस तरीके से मुंह बंद कर देंगे ये, और इस पे हम इस तरीके से पीड़े में रख करके और हाथ से ही इस तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से बड़ा हो जाए और जो स्टफिंग भरी थी पूरी अच्छे तरीके से फैल जाए। अगर आप चाहें तो बेलना से भी इसे थोड़ा सा हल्का हल्का बेल सकते हैं। ये देखिए एक हमारी कचौड़ी बन करके तैयार हो गई है। इसी तरह से सारी कचौड़ियों को बना करके हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारी कचौड़ियाँ हमारी बन करके तैयार हो गई हैं। तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है, गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में और तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। ये हल्की हल्की सी हीट आने लगी है, हमारा तेल ज्यादा गर्म नहीं है, हमें ज्यादा गर्म नहीं करना है। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी कचौड़ियाँ। ये देखिए कितना गर्म तेल चाहिए, ये कचौड़ी बैठ गई है। अभी तेल ज्यादा गर्म नहीं है क्योंकि हमें ज्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए कचौड़ियों के लिए। ये और इसे हम इसी तरीके से छोड़ देंगे और गैस को मंदी कर देंगे। अभी इनको बिल्कुल छूना नहीं है हमें, ये फूल करके कचौड़ियाँ कैसे ऊपर आ गई हैं। गैस मंदी ही है, बिल्कुल तेज बिल्कुल नहीं करना है गैस को। अब हम इनको एक एक करके पलट देंगे इस तरीके से। देखिए कचौड़ियों का कलर कितना प्यारा आया है, बिल्कुल पक करके तैयार हो गई हैं। इनको मैंने पलट पलट के दो तीन बार इस तरीके से पकाया है। अब हम इसे निकाल लेंगे छन्नी में। ये हमारी बहुत ही टेस्टी और खस्ता मटर की कचौड़ी बनकर के तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।